Good morning, students. I am Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, Kotputli. आज हम BSc Part 1 Zoology के Paper 1st का Topic Coelenterata के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. इसका वर्गीकरण और उसकी General Characteristics के बारे में पढ़ते हैं. Coelenterata को हम Phylum Cnidaria भी कहते हैं. सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं. Coelenterata किंगडम एनिमेलिया में पाया जाता है. इसकी सब किंगडम है मेटाजोआ. क्योंकि ये मल्टीसेल्युलर यानी बहुकोशिकीय जीव होते हैं तो ये मेटाजोआ सब किंगडम में आते हैं. ब्रांच है यूमेटाजोआ. यूमेटाजोआ का खास फीचर होता है कि वो उसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पाया जाता है, यानी ऊतक भी पाए जाते हैं. ऊतक आगे जाके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं. डिविजन जो है रेडिएटा यानी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. और फाइलम है Coelenterata या Cnidaria. क्योंकि Coelenterates में सिलेंट्रॉन एक कैविटी या सिलेंट्रन गुहा पाई जाती है. और दूसरा फीचर होता है नेमेटोसिस्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं. करीब 11,000 स्पीसीज Coelenterates की अभी तक पाई गई हैं. आधी से ज्यादा उसमें एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. Coelenterates द्विस्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं और प्रिमिटिव आदि प्रकार का टिश्यू सिस्टम होता है. इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी यानी गुहा पाई जाती है जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं. जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षण देख लेते हैं Coelenterates के. Coelenterates ज्यादातर सारे एक्वेटिक होते हैं पर ज्यादातर मेराइन यानी खारे समुद्री पानी में पाए जाते हैं. पर कुछ प्रजातियां फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं. ये एकल और निर्भर दोनों रूप में वास करते हैं. सिडेंटरी होते हैं यानी स्थानभद्ध होते हैं और कुछ मुक्त रूप से तैरते भी हैं यानी फ्री स्विमिंग भी होते हैं. इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कुछ में बायरेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है और लॉन्गिट्यूडनल ओरल अबोरल एक्सेस में भी सिमेट्री पाई जाती है. सेल टू टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सेल ऊतक में बदल जाते हैं और ऊतकों का ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है. एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी जो कंकाल है इनका कैल्केरियस यानी कैल्शियम और काइटिन का बना होता है. ये द्विस्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. दो लेयर्स के बने होते हैं. दो परतें पाई जाती हैं. बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं और आंतरिक या इनर परत को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं. इनके दोनों परतों के बीच में एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में मेसोग्लिया पाई जाती है जो कि जेलेटिनस होती है यानी जेल जैसी होती है. कुछ में जो एडवांस्ड Coelenterates हैं, थोड़े विकसित प्रकार के हैं, उनमें मेसोग्लिया में सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक भी पाए जाते हैं. तो उनको हम कह देते हैं कि वो त्रिस्तरीय हो गए हैं. डिप्लोब्लास्टिक की जगह ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो गए हैं. टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर फाउंड. इसमें हमेशा दो तरह के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं. पहला पॉलिप और दूसरा मेड्यूसा. पॉलिप जो है वो सेक्सुअल अवस्था होती है और आई थिंक उल्टा लिखा हुआ है इसमें. जो एसेक्सुअल अवस्था होती है वो पॉलिप्स होते हैं और फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फेस होती है मेड्यूसा, जिसमें गोनेड्स लगे रहते हैं. सिलोम रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट, यानी इसमें सिलोम नहीं पाई जाती, श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता, परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता और उत्सर्जन तंत्र भी अनुपस्थित होता है. दे आर एमनोटेलिक यानी अमोनिया के रूप में इनका जो वेस्ट है या उत्सर्जी पदार्थ है वो सीधा बॉडी की जो देह की जो सरफेस है सतह से सीधा ही बाहर निकाल दिया जाता है. मसल्स इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों तरह के मसल फाइबर्स पाए जाते हैं. इनमें एक इंटेस्टाइनल कैविटी पाई जाती है जिसकी जिसे हम गैस्ट्रोडर्मिस से जो लाइंड होती है इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कहते हैं. माउथ
इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में वो माउथ खुलता है और माउथ से ही जैसे पानी जो अंदर आ रहा है वो माउथ से आता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर को पूरा गीला करता है और वहीं से वापस पानी बाहर निकल जाता है माउथ से। इसमें गुदा या एनस अनुपस्थित होती है, तो सिंगल ओपनिंग होती है माउथ की। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी अंत कोशी के या बाहरी कोशी के दोनों प्रकार से पाचन इनमें होता है। नेमेटोसिस्ट आर फाउंड फॉर डैशिंग, फूड कैप्चर, ऑफेंस एंड डिफेंस। मुख के चारों ओर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें नेमेटोसिस्ट कहते हैं। नेमेटोसिस्ट का काम होता है एडहेशन, यानी किसी भी सतह से चिपकने में, भोजन को पकड़ने में, और डिफेंसिव भी होते हैं क्योंकि दंश कोशिकाएं हैं तो डंक मारते हैं ये, तो ये इनकी रक्षा भी करती हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम आदि प्रकार का होता है। प्रिमिटिव का होता है, एक डिफ्यूज़ नर्व नेट पाया जाता है। संवेदी अंग इनमें ओसिलाई और स्टेटोसिस्ट होते हैं। प्रजनन तंत्र इनमें दोनों तरह का होता है, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन तो ये बडिंग, मुकुलन या फिशन द्वारा करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जैसा होता है ओवा और स्पर्म्स के द्वारा होते हैं। दे आर मोनेशियस और एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के सेक्सुअल फॉर्म्स पाए जाते हैं। इनमें लार्वा जो पाया जाता है उसे कहते हैं प्लेन्यूला लार्वा। सिलेंट्रेट्स का लार्वा प्लेन्यूला लार्वा होता है और जनरली एक पीढ़ियों का एकांतरण दिखता है सिलेंट्रेट्स में, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज एसेक्सुअल पॉलीपोइड पॉलिप अवस्था इज ऑल्टरनेटेड बाय और इज फॉलोड बाय सेक्सुअल मेटोसाइट स्टेज। यानी पहले पॉलिप जो है वो सेक्सुअल होता है और उसमें से ही फिर सेक्सुअल मेटोसाइट स्टेज निकलती है। तो पीढ़ियों के एकांतरण को या ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। इनमें वास्तविक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन अनुपस्थित होता है। जो ये है ये अनट्रू या फॉल्स होता है कि पॉलिप से मेड्यूसा और फिर मेड्यूसा से वापस पॉलिप का निर्माण होता है। रीजनरेशन पावर यानी पुनरुद्भवन की जो पावर है वो बहुत अच्छी विकसित होती है सिलेंड्रेट्स में। तो ठीक, अब हम वर्गीकरण देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन तीन क्लासेस हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ हाइड्रोजोआ के जो जंतु हैं ये फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों में पाए जाते हैं, यानी साफ स्वच्छ जल में और समुद्री पानी में पाए जाते हैं। स्काइफोजोआ एक्सक्लूसिवली मेराइन यानी सिर्फ खारे पानी में पाए जाते हैं। एंथोजोआ भी खाली खारे पानी में पाए जाते हैं। हाइड्रोजोआ के सदस्य जो हैं वो एकल और निभर दोनों में पाए जाते हैं, रूप से पाए जाते हैं, जैसे सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं, जबकि स्काइफोजोआ खाली एकल फॉर्म में पाए जाते हैं। एंथोजोआ भी एकल और कॉलोनियल या निभर बनाकर रहते हैं। इनमें हाइड्रोजोआ में पॉलिप और एसेक्सुअल मेड्यूसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, पॉलिप एज वेल एज मेड्यूसा अवस्था। स्काइफोजोआ में पॉलिप तो अविकसित होती है पर मेड्यूसा अम्ब्रेला के आकार में या कप के आकार में बहुत डोमिनेंट रूप से उपस्थित होती है। एंथोजोआ में मेड्यूसा और अवस्था अनुपस्थित होती है, सिर्फ पॉलिप अवस्था पाई जाती है। हाइड्रोजोआ में जो पॉलिप पाए जाते हैं उनमें कोई स्टोमोडियम और सेप्टा नहीं पाए जाते, कोई खांच नहीं पाई जाती, कोई स्टोमोडियम नहीं पाया जाता। स्काइफोजोआ में भी स्टोमोडियम जो है वो एब्सेंट होता है। एंथोजोआ में माउथ एक पतली स्लेंडर स्टोमोडियम कैविटी में खुलता है और 8 या उससे ज्यादा सेप्टा एंथोजोआ में पाए जाते हैं गुहा के अंदर। इसमें जो हाइड्रोजोआ में अगर जो मेड्यूसा है उसमें वेलम पाया जाता है और उसको हम कहते हैं क्रेस्पिडोट। ऐसे मेड्यूसा को जिसमें ट्रू वेलम पाया जाता है, वेलम एक छलनी की तरह काम करता है जिसमें सीलियास लगे होते हैं और फूड का फिल्ट्रेशन होता है, तो इसे क्रेस्पिडोट कहते हैं। मेड्यूसा विदाउट वेलम इज कॉल्ड एज ए क्रेस्पिडोट, ठीक है, तो इसमें नहीं होता। स्काइफोजोआ में मेड्यूसा में वेलम नहीं पाया जाता इसलिए इसको एक क्रेस्पिडोट कहते हैं, और एंथोजोआ में तो मेड्यूसा होता ही नहीं है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ओरिलिया और जेलीफिश, अ पिक्चर ऑफ जेलीफिश जो कि स्काइफोजोआ की सदस्य है।
This is the diagram of scyphozoa, which where you can see this umbrella shaped surface and oral arms. Hydrozoa, mesoglia जो hydrozoa में होती है वो non-cellular होती है, जबकि scyphozoa की gelatinous होती है और इसमें cellular होती है enthozoa में. Hydrozoa में gonads are epidermal sex cells shed directly on the outside, यानी epidermis से निकलते हैं gonads hydrozoa में और ये सीधे बाहर की ओर छोड़ दिए जाते हैं. इनमें गैस्ट्रोडर्मिस से बनते हैं गैनाइड्स और पहले डाइजेस्टिव कैविटी या सिलेंट्रॉन में रिलीज किए जाते हैं और फिर बहते हुए पानी के जो बाहर पानी जा रहा है उससे ये बाहर चले जाते हैं. इनमें मिजेंट्रीज या नेमेटोसाइस्ट में गोनाइड्स पाए जाते हैं. इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, हाइड्रोजोआ जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इजी टू रिमेम्बर, हाइड्रा एंड ओबिलिया, स्काइफोजोआ का जेलीफिश एंड एंथोजोआ का टिबिपोरा, गॉर्गोनिया, पेनेंट्यूला, मेट्रीडियम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. दीज आर द डायग्राम्स. ये जेलीफिश का डायग्राम है, पिक्चर है, ये हाइड्रा है एंड दिस इज ओबिलिया मेड्यूसा, दिस इज फाइसेलिया, दिस इज ओबिलिया, यू कैन सी दिस इज द पॉलिप पार्ट और इसका दूसरा पार्ट होता है मेड्यूसा, दिस इज गॉर्गोनिया, दिस इज दी अम्ब्रेला मेड्यूसा पार्ट ऑफ ओबिलिया जो कि इसमें अम्ब्रेला शेप है और यहाँ पे ये रेडियल कैनाल, यहाँ पे गोनाइड्स होते हैं और ये वेलम है. क्लास एंथोजोआ, क्लास एंथोजोआ की दो सब क्लासेस होती है, ऑक्टोकोरेलिया एंड हेक्साकोरेलिया. ऑक्टोकोरेलिया एक्सक्लूसिवली कॉलोनियल होते हैं, यानी कॉलोनी बना के निवेह बना के रहते हैं. ये दोनों तरह से रह सकते हैं, सॉलिटरी एज वेल एज कॉलोनियल. पॉलिप्स विद 8 पिन्नेट टेंटिकल्स एंड 8 सेप्टा. ऑक्टोकोरेलिया में पॉलिप्स पाए जाते हैं, उनमें 8 टेंटिकल्स पाए जाते हैं और 8 ही सेप्टा पाए जाते हैं. पिन्नेट होते हैं यानी लीफ लाइक होते हैं, जबकि हेक्साकोरेलिया में टेंटिकल्स शाखित होते हैं पर 8 कभी नहीं होते. संख्या तो बहुत सारी होती है पर 8 से कम होती है. इनमें इनकी जो गलेट है उसमें साइफनोग्लिम्फ पाया जाता है, एक साइफनोग्लिम्फ पाया जाता है ऑक्टोकोरेला में. हेक्साकोरेलिया में 2 साइफनोग्लिम्फ पाए जाते हैं. इसका एग्जांपल है ट्यूबिपोरा, एल्साइनियम, गॉर्गोनिया एंड पेनिट्यूला. हेक्साकोरेलिया का एग्जांपल है सी एनिमोन्स, मेड्रिपोरियम, मेड्रिपोरा, मेट्रीनियम एक्सेट्रा. क्लास एंथोजोआ का एग्जांपल है एल्साइनियम, गॉर्गोनिया. देखिए सिलेंट्राइड्स आर वेरी ब्यूटीफुल एनिमल्स, बहुत सुंदर दिखते हैं ये नेचुरल लाइफ में, अगर हम नेचर में इनको देखें. ये मेट्रिपोरा है, ये सी एनिमोन है. सो फाइलम सिलेंट्रेटा, हाइड्रोजोआ, हाइड्रोइडिया, मिलिपोर्निया, स्टाइलेस्टेनिया, ट्रेकिलिनिया एंड साइफनोफोरा, ये इसके ऑर्डर्स हैं. क्लास स्काइफोजोआ के ऑर्डर्स हैं स्टोरोमेड्यूसे, क्यूबोमेड्यूसे, कोरोनेटी, सिमियोस्टोमी एंड राइजोस्टोमी. एंथोजोआ की सब क्लासेस हैं जोएंथेरिया और हेक्साकोरेलिना और आपको मैंने ये बताया ऑक्टोकोरेलिना. और इसके ऑर्डर्स हैं हेक्साकोरेलिना के ऑर्डर्स हैं एक्टिनेरिया, मेड्रिपोरेरिया, जोएंथेरिया, एंटीपिथेरिया एंड सेरिएंथेरिया. एल्साइनेरिया या ऑक्टोकोरेलिना के ऑर्डर्स हैं स्टोलोनीफेरा, टेलेस्टेसिया, एलिगनेसी, सिनोथिकेलिया, गॉर्गोनेसिया, पेनिट्यूलेसिया. नेक्स्ट हम देखते हैं फाइलम टीनोफोरा. टीनोफोरा अगेन बिलोंग्स टू फाइलम सॉरी किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम मेटाजोआ, ब्रांच यूमेटाजोआ, डिवीजन रेडिएटा एंड फाइलम टीनोफोरा. टीनोफोरा को हम कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं या सी वॉलनट, समुद्री अखरोट, सी वॉलनट्स भी कहते हैं. कीटो टीनोस मीन्स कॉम्ब एंड फोरोस मीन्स बियरिंग. ऐसे एनिमल्स जिनके कंघी जैसा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है और उनको हम टीनोफोरास कहते हैं. ये छोटी फाइलम है, करीब 100 ही स्पीसीज इसकी अभी तक डिस्कवर की गई है. ये एक्सक्लूसिवली मेराइन यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं. इनमें 8
कोम्ब पाई जाती हैं, कंघी जिन रूपी प्लेट्स पाई जाती हैं, जिसकी मदद से ये गति करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टीनोफोरा, दे आर मेराइन सॉलिटरी फ्री स्विमिंग और पिलेजिक एनिमल्स, नो पॉलीमॉर्फिज्म। सॉलिटरी मतलब एकल रहते हैं, और फ्री स्विमिंग रूप, फ्री स्विमिंग यानी मुक्त मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। बहुरूपता नहीं दिखती, ना ही कोई और इनकी अटैच्ड अवस्थाएं नजर आती हैं। इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, बायरेडियल होती है, बायरेडियल सिमेट्री नजर आती है। ओरल अबोरल एक्सेस में ये बायरेडियल सिमेट्री दर्शाते हैं। इनकी वहां की सरफेस पे 8 रोज में 8 लाइन में कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है, कंघी रूपी प्लेट्स पाई जाती है, जो कि सिलिया का रूपांतरित स्ट्रक्चर होती है, और इन सिलिया के रूपांतरित स्ट्रक्चर्स यानी इन कॉम्ब प्लेट की मदद से ये गति करते हैं, लोकोमोट करते हैं, इसलिए इनको कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। इनके मुख के पास एक जोड़ी टेंटेकल्स पाए जाते हैं। सेल टू टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सिलिट्रेट्स में थी, एसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि इनके जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस है उसके बीच के मेसोडर्म में, मेसोग्लिया में सेल्स और मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज विद माउथ, इनका जो पाचन तंत्र है उसमें माउथ पाया जाता है, माउथ खुलता है स्टमक में जिसे स्टोमोनियम कहते हैं, और फिर वो खुलता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स में, और इनमें 2 एनल पोर्स भी पाए जाते हैं। तंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इनमें सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कोलोब्लास्ट कहते हैं। कोलोब्लास्ट टेंटेकल्स के ऊपर स्थित होते हैं और भोजन पकड़ने में, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। स्केलेटरी मसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं, यानी कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। प्रिमिटिव प्रकार का डिफ्यूज्ड काइंड ऑफ तंत्रिका तंत्र होता है। अबोरल एंड में एक संवेदी अंग पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट। दे आर हर्माफ्रोडाइट यानी नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं। गोनाइड्स एंडोडर्म से बनते हैं। इनके लार्वा को कहते हैं सिडिपिट लार्वा। हम सिलेंड्रेटा को लार्वा को कह रहे थे प्लेन्यूला लार्वा, इसको हम कहते हैं सिडिपिट लार्वा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन अनुपस्थित होता है। रीजेनरेशन और पीडोजेनेसिस पाया जाता है, और पीडोजेनेसिस मींस न्यूटनी टाइप की बिना रिप्रोडक्शन के ही लार्वा बन जाता है, तो उसको हम पीडोजेनेसिस या न्यूटनी कहते हैं। इसकी 2 क्लासेस हैं, टेंटेक्यूलेटा और न्यूडा। टेंटेक्यूलेटा में 2 लॉन्ग बड़े टेंटिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको नाम से ही पता लग रहा है टेंटिक्यूलेटा कहलाता है। न्यूडा में टेंटिकल्स अनुपस्थित होते हैं। टेंटिक्यूलेटा के ऑर्डर्स 5 होते हैं, सिडिपीडिया, लोबेटा, सिस्टिडा, प्लेटिस्टेनिया एंड थेलेसो कैल्सीडिया। सिडिपीडिया का एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैंकिया। इसमें खाली एक ही ऑर्डर है, बिरोडिया और बिरो, इसका एग्जाम्पल है बिरो। अब इनमें हम ये देख लेते हैं कि इसकी सिलेंड्रेटा के साथ क्या समानता है और क्या अंतर है सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में। पहले समानता ही देख लेते हैं। दोनों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, दोनों में जिलेटिनस मेसोग्लिया पाई जाती है। सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा दोनों में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन दोनों में ही सिलोम अनुपस्थित होती है। दोनों में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। नर्वस सिस्टम दोनों में ही आदि प्रकार का होता है, और गोनाइड्स दोनों में एंडोडर्म से निकलते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटीज होगी कि टीनोफोरा में भी टिश्यू ग्रेड ऑफ सिलेंट्रेटा की तरह टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिलोम अनुपस्थित होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, और गोनाइड्स एंडोडर्म से निकलते हैं। डिफरेंसेस क्या हुए इनमें? टेंटिकल्स अलग अलग पेयर प्लेस होते हैं, ऑपोजिट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मेसेनकाइमल मसल्स प्रेजेंट होते हैं इन टीनोफोरा। टीनोफोरा में 8 कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, जो सिलेंट्रेटा में नहीं पाई जाती। इनमें कोई कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं होता, ये अकेले रहते हैं, एकल रूप में रहते हैं।
कैविटी में एनल पोर्स होते हैं, सिलेंट्रेटा में मैंने आपको बताया था एनस अनुपस्थित होती है। इनका स्टेटोसिस्ट टीनोफोरा में अबोरल साइट पे होता है, जबकि सिलेंट्रेटा में मार्जिन्स पे होता है। सिलेंट्रेट में नेमेटोसिस्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें नहीं पाई जाती। इनमें सेंसरी सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट पाए जाते हैं, टेंटिकल्स के ऊपर होते हैं कोलोब्लास्ट सेल्स। ये कोलोब्लास्ट सेल्स सिलेंट्रेट्स में अनुपस्थित होते हैं। टीनोफोरा की क्लासेस में आपको बताई थी टेंटिक्यूलेटा एंड न्यूडा। तो ये थी दो क्लासेस हमारी इंपॉर्टेंट, सिलेंट्रेटा एज वेल एज टीनोफोरा। थैंक यू।